Hello everyone, welcome back to Ilm Hasil Karo, our YouTube channel. In today's lesson, we are going to learn about garments and dresses. जी हाँ, आज के लेसन में हम garments और dresses के बारे में सीखने जा रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। So let's get started. Apron. इसे उर्दू में पेशबंद कहते हैं। ब्लैंकेट कंबल। ब्रीचेस ऊंचा पजामा। ब्रीचेस ब्लाउज बटन होल काज को कहते हैं। बटन होल बेल्ट बॉर्डर उर्दू में किनारी या गोट बोलते हैं। बॉर्डर जिसे आप गोटा किनारी भी कहते हैं। कैप कॉटन सूती कपड़े को कहते हैं। कॉटन क्लॉक जुबा या लबादा। क्लॉक शमीज कर्टन पर्दे को कहते हैं। कर्टन कवर गलाफ कवर कुशन गद्दी कुशन कोट कॉलर चेन जंजीरी को कहते हैं। चेन धोती जी हाँ, धोती को इंग्लिश में धोती ही कहेंगे। धोती आई नीडल सुई का नक्का। आई नीडल ईयरिंग्स कान की बाली को कहते हैं। ईयरिंग्स फ्रिल झालर को कहते हैं। फ्रिल फ्रॉक फोल्ड तह को इंग्लिश में फोल्ड कहते हैं। फोल्ड ग्लव्स दस्तानों को इंग्लिश में ग्लव्स कहते हैं। ग्लव्स गाउन बुरके को इंग्लिश में गाउन कहते हैं। गाउन हैट अंग्रेजी टोपी को इंग्लिश में हैट कहते हैं। हैट शॉर्ट्स जी हाँ, निकर को इंग्लिश में शॉर्ट्स कहते हैं। शॉर्ट्स रुमाल को इंग्लिश में हैंकरचीफ कहेंगे, इसमें डी साकन होगा। हैंकरचीफ जैकेट कुर्ता जी हाँ, कुर्ते को इंग्लिश में कुर्ता ही कहेंगे।
कुर्ता, लाइट कलर, हल्के रंग को इंग्लिश में लाइट कलर कहेंगे, लाइट कलर। लहंगे को इंग्लिश में लॉन्ग स्कर्ट कहेंगे, लॉन्ग स्कर्ट, लॉन्ग स्कर्ट। तस्मे या फीते को इंग्लिश में लेस कहेंगे, लेस, लेस। गद्दे को इंग्लिश में मैट्रेस कहेंगे, मैट्रेस, मैट्रेस। मफलर, मफलर। नेक टाई, नेक टाई। रेनकोट, जी हाँ, बारिश में जो लॉन्ग कोट पहना जाता है उसे रेनकोट कहते हैं, उर्दू में इसे बरसाती कहते हैं, रेनकोट। पजामाज, पजामा को इंग्लिश में पजामाज कहते हैं, पजामाज। जेब को इंग्लिश में पॉकेट कहते हैं, पॉकेट, पॉकेट। तकिए या सराहने को इंग्लिश में पिलो कहते हैं, पिलो, पिलो। रेशम को इंग्लिश में सिल्क कहते हैं, सिल्क, सिल्क। स्लीव्स, आस्तीन को इंग्लिश में स्लीव्स कहते हैं, स्लीव्स। शर्ट, शर्ट। कमीज को इंग्लिश में शर्ट कहते हैं, स्कर्ट, स्कर्ट। शीट, चादर, शीट। सॉक्स, जराबे, सॉक्स। शूज, जूते, शूज। स्कार्फ, स्कार्फ। शॉल, चादर को बोलते हैं, शॉल। स्टड, स्टड बटन को इंग्लिश में स्टड कहते हैं, स्टड। स्टॉकिंग्स, स्टॉकिंग्स। बड़ी जराबों को या लंबी जराबों को इंग्लिश में स्टॉकिंग्स कहते हैं, साड़ी, साड़ी। साड़ी को इंग्लिश में साड़ी ही कहते हैं, स्वेटर, स्वेटर। स्वेटर को इंग्लिश में स्वेटर ही कहते हैं। शर्टिंग्स, शर्टिंग्स। कमीज के अनसिले कपड़े को शर्टिंग्स कहते हैं। सस्पेंडर, सस्पेंडर। गैलिस को इंग्लिश में सस्पेंडर कहते हैं। स्टिच, स्टिच। टांके को या सलाई को इंग्लिश में स्टिच कहते हैं। थ्रेड, थ्रेड। धागे को इंग्लिश में थ्रेड कहते हैं। टर्बन, टर्बन। पगड़ी को इंग्लिश में टर्बन कहते हैं। ट्राउजर्स,
trousers, towel, towel, तौलियों को इंग्लिश में towel कहते हैं, uniform, uniform, वर्दी को इंग्लिश में यूनिफॉर्म कहते हैं, वेस्ट, वेस्ट, बनियान को इंग्लिश में वेस्ट कहते हैं, वेल, वेल, बुरके या पर्दे को इंग्लिश में वेल कहते हैं, वूलन, वूलन, ऊन से बने हुए कपड़े को वूलन कहते हैं, वेस्टकोट, वेस्टकोट, वास्कोट को इंग्लिश में वेस्टकोट कहते हैं, यार्न, यार्न, धागे को इंग्लिश में यार्न कहते हैं, स्लीव्स, स्लीव्स, बाजुओं या आस्तीन को इंग्लिश में स्लीव्स कहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर से जरूर शेयर करें। हैव अ हैप्पी डे और इवनिंग देयर।